मतलब भोजपुरी के दुख सका था टूट ले याद नहीं खे देखी जब शुरू भेल पहलका दौर के तीनों फिल्म हिट भली सा गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ी बो लागी नहीं छूटे रह मैं विदेशिया ओकरा बादो गैप रहे लंबा गैप रहा कुछ फिल्म अच्छा बन नहीं सा तो हमेशा एकरा के सोना के अंडा दे वाली मुर्गी समझल गई क्या ओ भरा जे लोग रहे जुड़ल सिनेमा इंडस्ट्री से भोजपुरी सिनेमा से वो सब लोग हिंदी के टॉप के आर्टिस्ट रहे बिल्कुल बिल्कुल आज के जन लोग बात जुड़ल भोजपुरी के मनोज वाजपेयी हुए भोजपुरी के रघुवर प्रकाश झा हुए भोजपुरी के रघुवर अनुराग कश्यप हुए भोजपुरी के सब लोग हैं लेकिन ये लोग भोजपुरी में कब पाँव नहीं खड़ा किया आज मराठी सिनेमा में चल जाए तो सयाजी शिंदे से लेकर के महेश मांजरेकर से लेकर के जे भी लोग बा ये तो चली कलाकार के वो अलग पहलू हो गए ओकरा पास सरकार के तरफ से इतना ज्यादा उदासीनता हुआ एक वो टैग लाइन बाकी भाई ये लोग सब स्टैंडर्ड सिनेमा बनाते हैं तरे तो सब स्टैंडर्ड बनाते हैं तो वो आपका आपका लैंग्वेज है आपकी भाषा है इसको आपके राज्य के मतलब 70% लोग इस भाषा को बोल रहे हैं तो इसके उत्थान के लिए आप क्या कर रहे हैं एक पहलू है सिनेमा इसके अलावा और भी पहलू पे कुछ काम नहीं हो रहा है सिनेमा तो कम से कम चलिए कि भोजपुरी नाम को विश्व स्तर पे लोगों को बता रहा है कि एक लैंग्वेज भोजपुरी भी है वो सिनेमा के माध्यम से उसके अलावा भोजपुरी के उत्थान के लिए कोई काम नहीं हो रहा है चलिए ये तो एगो लंबा लंबा विषय के अलग से एगो हमने के बातचीत के मौका चाहिए पर बात करे खातिर ये भोजपुरी सिनेमा की चुनौती या संभावना के बात बा संभावना बहुत बा चुनौती भी साथ में जुड़ल बा हमने के चूंकि वह संगीत निर्देशक बनी तो हम म्यूजिक पर फिर वापस लौट के बतानी 2006-2007 निरहुआ रिक्शा वाला की बात से लेके अभी तक 10 साल 10 साल के 5 गो ऐसा गीत रुआ आपन गीत बताई जी तो रुआ जो 5 गो गीत के बात करता नहीं देखिए गाना तो बहुत मन में लगा लेकिन अभी सभी गाना याद ना पड़ी निरहुआ रिक्शा वाला मुझे सरुआ के बताऊ में यहाँ की उड़नी के रंग पिया रहे हमें थोड़ा सा गाना के साथ साथ हम जर्नी रहा तय कर देते हैं हम 6 के बाद 7 है यहाँ 8 के अपन फिल्म बताएं कौन कौन 8 मेरा फिल्म रहे एक गाना ओमे सिनेमा रहे प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा के वो गाना रहे कि मन के समरिया बन गई ला तू चुपके से का कैला तू नस नस में तू गईला समा डाल दिला परेशानी में बाबा गजब के रोग लरा दिहला राजा हमके जवानी में 2008 जी 2009 में सिनेमा ससुराल गाना ओकर वो गाना रहे रोमांटिक गाना रहे कि तुह से मिलल जे अखिया था बुझनी की प्यार का तोहे पाके जिंदगियां में जननी की यार का तुह से मिलल जे अखिया था बुझनी की प्यार का 2010 में 7 सहेलियां और 7 सहेलियां के गाना 4-5 गाना बहुत होकर अच्छा पसंद उनमें एक गाना रहे कि निक लागे ला रेशम के जालीदार ओढ़नी निक लागे ला रेशम के जालीदार ओढ़नी मनवा करेला की हम हो रानी चो नारे ने तोहार ओढ़नी शब्द यानी के पर निक लागे ला रेशम के जालीदार ओढ़नी 2010 के ये फिल्म है 2011 और 12 में शिवा फिल्म आई है पर ईयर वाइज याद नहीं कर पड़ती कौन कौन सिनेमा थे एक एक साल में 6-6, 7-7 को सिनेमा आई बड़ा सुन उसके बाद एक और बहुत अच्छा फिल्म आई निरहुआ हिंदुस्तानी और ओकर गाना कि
झुलनी के छैया बलम दुपहरिया बिताई लहो, एह झुलनी के छैया बलम दुपहरिया बिताई लहो, आव बिताइला दुपहरिया बिताइला, एह झुलनी के छैया बलम दुपहरिया बिताइला। ये हम ही लोग का पुराना फोक है, ट्रेडिशनली पुरान फोक है। ते करके हमने भी इसमें ओमे गोरी गाना हम शारदा सिन्हा जी के जन गाना रहे कि बलमुआ कैसे ते जब रे छोटी नदी। ये गाना के भी हम क्योंकि मुखड़ा के बोल शारदा सिन्हा जी के ले ले रहनी, बाकी अल्ट्रा वगैरह बहुत खूबसूरत कंपोज किया रहनी है। एक संगीत बहुत लोग पसंद किया जैसे वो हिंदुस्तानी के। ओकरा बाद हमारे वो फिल्म आई पटना से पाकिस्तान जी, ओकर गाना भी बहुत हिट भाई, बहुत पसंद करी लोग कि हमरे में बसे तोहरे में बसे राजा हमारो परनवा हो, रात दिन रहे बस तोहरे धयनवा, मन बोले हाची गाई हम तोहरे के चाही, बड़ा नीक लागे राजा तोहरा संगवा हो, हम हई पिया जी के पतरी तिरियावा, पियावा हमार पतरंगवा हो, हम हई पिया जी के पतरी तिरिया। ये पटना से सोर्स का बा, ये जो एनर्जी मिलेला या अपने ये जो म्यूजिक बनाओ समय बहुत सारा चीज चलेला, जब आदमी कोनो क्रिएटिव काम करेला तो दिमाग में हजार गो चीज चलेला। मीन रुआ इंस्पिरेशन की या म्यूजिक बनावे के समय सोर्स का होला? सोर्स देखिए जितना सुनम रहुआ वहीं से उठाए, कहल जाला कि जो आदमी बहरा होला गुंगा भी होला। जो आदमी बहरा होता है वो गुंगा, क्योंकि जब शब्द आपके कानों पे नहीं पड़ती है तो कंठ उस शब्द को निकाल ही नहीं सकता, आ वो बस मुंह से बोलेगा। वैसा ही एक कलाकार को, एक क्रिएटिव आदमी को, एक रचनात्मक आदमी को समाज में आंख और कान खुला रखना चाहिए। आप जितनी फिल्में देखेंगे, जितनी ज्यादा देखेंगे उतना ही आपका ज्ञान बढ़ेगा। कोनो इच्छा महत्वपूर्ण इच्छा कि ना हे ढंग के संगीत हमरा बनावे के बा अभी ले बनावले देखें, कोनो ऐसा बात प्लानिंग कहते हैं कि ड्रीम प्रोजेक्ट होला। हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बाहु और ऐसा कोनो विशेष चीज नहीं है कि हाँ खास हाई काम करे के बा उन्हें की कही है। जो जो चीज सोचने या सोचने मतलब अंदर जो भावना है एकदम बनौनी। अब आगे प्रतिदिन चूंकि समाज से परिवेश से इंस्पायर्ड आदमी होता है कि और नया का करी, और नया का करी जो मैक्सिमम लोग तक पहुंचे। आज भोजपुरी चूंकि व्यापकता भोजपुरी के बढ़ रहा बा, लोग तक ज्यादा जनाधार तक पहुंच रहा बा और जनता तक पहुंच रहा बा भोजपुरी, तो मैक्सिमम लोग के कैसे अपना कला के माध्यम से इंटरटेन कर जाए, बस ये अंदर में भावना है। अभी क्या चलता? अभी फिलहाल हम एक फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन कर रहे हैं, यूं कर डमरू फिल्म के नाम है और बहुत शिद्दत के साथ पहली बार भोजपुरी में रुआ नाम सबके उस परिचित बटे मिथिला के अनन्य भक्त कानहुआ वहाँ के उगना जो उगना जी के रैपर के लिए विद्यापति विद्यापति जी के हीरो विद्यापति जी के जो जीवन दर्शन रहे कि वहाँ के अपना साधना लगन से भगवान भोलेनाथ के विवश करते रहे, वहाँ के घरे आके चाकरी करे पर वही से इंस्पायर्ड होकर के वो हम आज के दौर में भोजपुरी सिनेमा बनौले बनी जिनमे एगो भक्त अपना भोलापन भक्ति और सच्चाई से भोलेनाथ के विवश कर रहे। उगना जी है कैरेक्टर है जी जी, और आज के परिवेश में अगर भोलेनाथ आ जास तो अयला के बाद जब देखा था रहे कि धर्म के लोग का समझाता धर्म का, उगना तो वहां के घर आकर के काम के ले रहनी, पर हम जो रचना अपन कैले बनी ओमे कि प्रभु अगर भोलेनाथ
धरती पर कोनो भक्त के घरे आ जाता नहीं। और आईला के बाद वहां के देखा था नहीं कि समाज में कैसे लोग हिंदू मुस्लिम के बात पर लड़ रहा बा, कैसे लोग भूत पिशाच के बात पर बहकावल जाता। और वहां गया करके लोग के दर्शन समझा रहा बानी कि क्या है जीवन, क्या है धर्म और क्या है अधर्म। यही पर एक कहानी हम बना रहा बानी, वो फिल्म के नाम है डबरू और डबरू के पोस्ट प्रोडक्शन हो रहा है महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर करके रिलीज करने के बाद। चलिए अच्छा बार हुआ डमरू बजाओ तनी भोजपुरी के डमरू और भोजपुरी के साथ मैथिली के भी, लेकिन विद्यापति जी के मैथिली या भोजपुरी में बांटना पूरा विश्व में वहाँ के लोग जाना था, एक बहुत बड़े साहित्यकार के रूप में वहाँ के रहने। रुआ के आगे कौना रूप में देखल जाओ, कहा चाहते निरुआ निर्देशन के क्षेत्र में या संगीत निर्देशन के क्षेत्र में, डायरेक्टर और म्यूजिक डायरेक्टर जी? देखी प्रभु की कृपा, अपन हम कहीं की स्कूल में शब्द पढ़े के मिले प्रज्ञानम ब्रह्म, ये जौन भी ज्ञान गुरु लगभग ब्रह्म के दहला। और ईश्वर जौना जौना प्लेटफॉर्म पर जैसे जैसे रास्ता बनाओ, जे लोग हम कहे कि नहीं कि वीडियो एडिटिंग, ओकरा बाद म्यूजिक प्रोग्रामिंग, म्यूजिक प्रोग्रामिंग के बाद सिंगिंग, सिंगिंग के बाद लिरिक्स राइटिंग, गीत राइट के गीत के लिखल, ओकरा बाद कहानी भी जौन भी हमारे फिल्म अभी तीन गो फिल्म बनल बनौले बानी, मेहंदी ला के रखना, नैसरा बांध के आऊँगा डमरू, तीनों के कहानी खुद लिखले बानी, ओकर स्क्रीन प्ले खुद चूंकि हर आदमी अपना के बेहतर मतलब कौन रूप में फाइनली अपना के माने संगीत अपना रूप में बस एक वो अंदर अंदर से जो भावना वाला की एक अच्छा इंसान कर्म जो जो इंटरटेनर के की रहुआ के कैसे हम अपना माध्यम से अपना क्रिएटिविटी से इंटरटेन करें और खुद के देखे के हमेशा चाहिए कि रजनीश मिश्रा एक कैसा इंसान। अंतिम सवाल राहुल, गाना सुन के जो लड़का कुली पगलाई बड़ा सा नाचा तरह सा गावा तरह सा गायक बने के कोशिश करता था जी, कल एगो आर्टिकल पढ़ने में आई रहे कि अब भोजपुरी में गायकन की संख्या इतना तेजी से बढ़ाता कि ये लोग खाते एगो अलग ग्रह बनावे के पड़े जी सफेद तीसरा आदमी गायक बा ओ लोग खाती रो का कह जाए वो लोग कौना दिशा में प्रयास करो, कैसे कोशिश करो अपना की जांचो कैसे केकरा आवे के चाहिए गायक बने खाती। देखिए संगीत के फील्ड में आज के तारीख में जो भोजपुरी के परिवेश बा एमे गायकी गुड़ हो गई बा, एमे हो गई बा शब्द प्रधान संगीत हो गई बा, और शब्द भी ऐसा जौन रवा के सभ्य समाज जो ना केला उन्हें करे, जितना जेकर फूहर गीत उतने होकर उतना बड़ा नाम। और संगीत भोजपुरी संगीत से संगीत विलुप्त हो गई बा, अब वो एक और रह गई बा सिर्फ शोर आवाज, जौन आवाज के रुआ सुने के जगह भी करता है हो गई बा कि कोनो भी पार्टी हुई कोनो नाच फंक्शन हुई बस उहवा बजा के ओकरा के सुनल जाई, ओकरा अलावा ओकर कहीं जगह नहीं के सुने कतरा। तो जब से एकर दौर आई तब से जितना गवैया जौन भले पाड़ा राग में गावलो चाहे गधा राग में अपन गावलो गधा खानी चोकरो लो, लेकिन अगे नया मशीन आ गई ऑटो ट्यूनर, वो ट्यूनर लगौला के बाद वो लोग के सुर में कह देता, और सुर में कह देता तो जितना अश्लील शब्द समा जाओ उतना अश्लील शब्द गा के और बाजार में डाले की कोशिश करता लोग। जब लोग संगीत के बात करें तो संगीत रह नहीं के गई, अब वही लोग के पूछबा कि रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, और अच्छा अच्छा जो कलाकार जो साधना के लिए बालो जो संगीत के प्रति समर्पित अपने आप के लिए बालो वो लोग किनारे बैठल बा। चलिए रुआ कुछ जख्म कुरे दिले बानी ते वो आनंद संधिदूत जी बानी वहाँ के चार लाइन याद पढ़ो, वही से हमने की बातचीत खत्म हुई कि रामचंद्र कहे गए सिया से एक दिन ऐसा आएगा, ऊपर वो कहले कि रात भर टाइ टाइ कैलन सा कौआ,
रात भर टाए टाए कैलन स कौआ आ भोरे संगीतकार भैलन स कौआ आ उज्जर ना भैलन स पदवी प्रतिष्ठा से उज्जर से फिर से रात भर टाए टाए कैलन स कौआ रात भर टाए टाए कैलन स कौआ आ भोरे संगीतकार भैलन स कौआ आ श्रोता में ठाल रहे निर्धनस कोयल श्रोता में ठाड़ रहे निर्धन स्कोयल ज्ञान कला लूट लूट खैलन सा कौआ आ उज्जर ना भैलन सा पदवी प्रतिष्ठा से कूद कूद कतनो न फैलन सा कौआ क्या बात क्या बात रुआनी हमने से इतना अच्छा बातचीत कही बहुत बहुत शुक्रिया राउर बात हम एक बार फिर दर्शक लोग से कहे के चाहब कि रजनीश जी बहुत महत्वपूर्ण बात पर जोर देनी हाँ कि अब भोजपुरी संगीत में शोर ज्यादा बा वो फिल्म के बात नहीं कर समग्र संगीत जगत के बात करत नहीं भोजपुरी की चाहे एल्बम हो गया जहाँ भी संगीत बा शोर ज्यादा बा संगीत कम बा नहीं खे हमने के चाहत नहीं जा कि शोर से भोजपुरी सिनेमा भोजपुरी एल्बम इंडस्ट्री संगीत की तरफ लौटे और रजनीश जी से भी ये आग्रह कर जा कि हमने के अधिक से अधिक संगीत भोजपुरी सिनेमा में समा बहुत बहुत शुक्रिया तो कैसा लगा आपको ये इंटरव्यू हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल द बायस को